नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल SP गेमिंग में। तो आज हम आपके लेकर आ चुके हैं न्यू वीडियो। दोस्तों फ्री फायर हमारे साथ कुछ ऐसी तरंगी बितरंगी चीज़ें करता है जिससे फ्री फायर को एल लग जाते हैं, मतलब उल्टे लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे कि फ्री फायर हमारे साथ बहुत सारे गेम में ऐसे ऐसे चीज़ें लाता है जिसको लगता है कि फ्री फायर बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा उस चीज़ को लाके, लेकिन हो जाता है वहीं पे उल्टा। फ्री फायर को उतने ज़्यादा ही लॉस हो जाते हैं उस आइटम गेम में लाने पे। और मतलब आज की वीडियो में ऐसे टॉप 5 लॉस फ्री फायर की बात करेंगे। क्योंकि फ्री फायर ने तो ये सोच के लाया था कि उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन वहाँ पे उल्टा होता है, फ्री फायर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इनमें से बहुत सारे इवेंट्स मतलब आप लोग मतलब यूज भी किए होंगे। तो अगर आप एक फ्री फायर लवर हो तो वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में टॉप 5 फ्री फायर के लॉस दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा। चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट पहुंच जाए। तो कैसे हैं आप लोग? फ्री फायर लॉस नंबर 5। और नंबर 5 पे जो फ्री फायर सबसे बड़ा लॉस आता है वह डायमंड ग्लिच। आप लोगों को पता होगा कि फ्री फायर में अक्सर डायमंड ग्लिच आता रहता है। और कुछ साल एक साल पहले तो हमारे पाकिस्तान सर्वर में एक डायमंड ग्लिच आता है जिसमें लाखों बैच परचेस कर रहे थे बंदे। और आपको पता होगा कि बैच परचेस करने में कितना है। और यही हाल इंडिया सर्वर में हुआ था एक टाइम पे। इंडिया सर्वर में ही बंदे लाखों बैच परचेस कर रहे थे डायमंड ग्लिच की वजह से। और डायमंड कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे फ्री फायर तो आपको पता ही होगा। और इसे तो फ्री फायर को घाटा हुआ ही हुआ, लेकिन जो फेयर प्लेयर हैं जो लीगली तरीके से डायमंड परचेस करते हैं और वो लोग डायमंड परचेस किए और फिर देखे कि ये बंदा तो ग्लिच से मदद से लाखों बैच परचेस कर रहा है, और उन डायमंड जो फेयर प्लेयर हैं जो डायमंड परचेस करते हैं डायमंड से प्लेच, उनका बैच मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, उनका तो नामों निशान नहीं है। तो वो लोग अगले टाइम से बैच परचेस करना ही छोड़ देंगे और फ्री फायर को इस टाइप मतलब इस तरीके से आगे चल के भी लॉस होता रहता है। तो डायमंड ग्लिच है ये फ्री फायर का बहुत बड़ा लॉस है फ्री फायर में। वैसा है फ्री फायर वैसे डायमंड की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फ्री फायर में। तो डायमंड ग्लिच जो नंबर 5 पे रिजर्व करती है डायमंड ग्लिच। दोस्तों नंबर 4 पे फ्री फायर की सबसे बड़ी लॉस आती है रिमूव ऐड इन फ्री फायर। आप लोग पता होगा कि फ्री फायर ने वॉच एंड यन डायमंड को रिमूव करके हमारे गेम में लाया था पिंक डायमंड। अरे पिंक डायमंड था पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था फ्री फायर में। और आपको तो पता ही होगा कि फ्री फायर में जो एड्स होते हैं जिसको देखने के बाद डायमंड मिलते थे उससे फ्री फायर को कहीं ज़्यादा ही फायदा होता था। मतलब आपको 20 डायमंड मिलते थे पर डे वॉच करने पे, लेकिन जो ऐड देखता था वो मतलब 20 डायमंड से ज़्यादा फ्री फायर अर्न कर लेता था। और इसी तरीके से फ्री फायर ने सोचा कि डायमंड को हटा के हम अपने गेम में पिंक डायमंड ला देंगे। तो पिंक डायमंड लाएंगे तो मतलब फ्री फायर बंदे ऐड तो देखेंगे ही, लेकिन पिंक डायमंड अच्छा रोल प्ले नहीं करता फ्री फायर में। पिंक डायमंड की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब अभी तो पिंक डायमंड घट गया है तो पिंक डायमंड की वैल्यू नहीं थी। इससे क्या हो रहा था कि फ्री फायर को मतलब ऐड से पैसे उतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, फ्री फायर को तो लॉस हो रहा था समझ तो। मतलब डायमंड से जितने पैसे आ रहे थे उससे पिंक डायमंड से पैसे नहीं आ रहे थे। और बहुत सारे बंदे पिंक डायमंड के लिए ऐड नहीं देखते थे। मैं लिटिल का मैं पहले भी ऐड देखता था डायमंड के लिए, लेकिन जब पिंक डायमंड आया तो मैं भी ऐड नहीं देखता था। इसे फ्री फायर को एक मतलब बहुत बड़ा लॉस हुआ था फ्री फायर को। और फ्री फायर ने उसके बाद मतलब लॉस को कवर करके दूसरे आइटम्स में कवर कर लिया। उसके बाद फ्री फायर ने कभी भी डायमंड को जो वॉच एंड डायमंड इसको मतलब इवेंट कोई भी अपने बैकअप में नहीं दिया, उसके बाद कभी भी रिटर्न में नहीं दिया। तो क्या आपको इसके बारे में इस ग्लिच के बारे में पहले से पता थी? मतलब इस फ्री फायर के बड़े लॉस के बारे में आप लोग नहीं सोचे कि ये भी एक फ्री फायर का लॉस है? तो इस लॉस के बारे में पहले से पता थी या नहीं पता थी मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। दोस्तों फ्री फायर की टॉप 3 नंबर पर जो सबसे बड़ी लॉस आती है वो है MP40 के बारे में। और MP40 ये बनी MP40 जो बनी MP40 का क्रेज था आज से 5 महीने पहले देखो तो बहुत ज़्यादा ही था। हर एक वीडियो जो भी यूट्यूबर दूसरे सर्वर में जाकर लाखों लाख डायमंड खर्च करके वीडियो बनाते थे और ये बहुत ज़्यादा ही क्रेज था। और फ्री फायर ने बनी MP40 को संभाल के इसलिए रखा था कि इसको महंगे इवेंट में देंगे तो सारे बंदे निकालेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे आप लोग देखो तो बनी MP40 को क्रेज मतलब 0 हो चुका है। और सारी बात होती है क्रेज के कारण। फ्री फायर में हर एक आइटम्स का एक क्रेज होता है और टाइम टू टाइम उसका क्रेज कम होता रहता है तो किसी का बढ़ता जाता है। और लेकिन यही हाल बनी MP40 साथ हो रहा है कि इसका क्रेज मतलब बिल्कुल ही घट गया है। और फ्री फायर ऐसा सोचा था कि इसको रिटर्न में ला के देंगे मतलब बड़े बड़े इवेंट में तो लोग निकालेंगे, और इसका सीधे उल्टा हो गया। मतलब फ्री फायर में अभी के टाइम पे आप लोग ही बनी MP40 को इतना भाव नहीं देते होंगे। तो फ्री फायर की मतलब जो माइंडसेट थी वो बिल्कुल से खराब हो गई और एक मतलब फ्री फायर की लॉस गिनती में आएगी। क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे फ्री फायर बनी MP40 को रिटर्न में दे तो मतलब बहुत सारे बंदे नहीं निकालेंगे तो फ्री फायर की तरफ से लॉस ही होगी न्यू। तो अब क्या आपको इसके बारे में पहले से पता थी? ये भी मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। दोस्तों नंबर 2 पे जो फ्री फायर की सबसे बड़ी लॉस आती है वो है बोया बंडल को लेके। दोस्तों बोया बंडल हमारे गेम में सेकंड लेजेंडरी बंडल था हमारे गेम में जो आया था, जो कि एनिमेशन के साथ आया था। और पहला लेजेंडरी बंडल था वो कुबरा बंडल,
जिस टाइम पे कोबरा बंडल आया था तो फ्री फायर के बहुत सारे बंदों ने इसको निकाला था, मतलब फ्री फायर के बहुत सारे बंदों ने पहला बंडल ऐसा था जिसमें एनिमेशन था, मतलब बहुत कुछ था इस बंडल में, और इसलिए फ्री फायर के बहुत सारे प्लेयर ने था इसको निकाला था। लेकिन जैसे ही बोया बंडल आया, मतलब उसके तो एल लग गए, मतलब फ्री फायर इसकी लुकिंग भी अच्छी नहीं थी, और आता भी ये सब मतलब महंगे डायमंड इवेंट वाले में, इसमें 4-5 हज़ार 8 हज़ार डायमंड तो रख के ले लो, और इसीलिए फ्री फायर वालों बहुत सारे प्लेयर निकाले ही नहीं इसको, और मतलब बहुत सारे प्लेयर निकाले थे, लेकिन जितना फ्री फायर को होना चाहिए था फायदा उतना फ्री फायर को इस बंडल में नहीं होता, मैंने जहाँ तक रिसर्च की है। एक फ्री फायर की एक लॉस की गिनती में आती है जो कि बुआ बंडल जिसे बैकग्राउंड देख रहे हो, ये फ्री फायर की एक लॉस की गिनती में आती है। तो क्या आपने इस मतलब बंडल को निकाला था नहीं निकालते मेरे कमेंट्स में फिर बोल दीजिएगा। फ्री फायर बिगेस्ट लॉस नंबर वन। और दोस्तों नंबर वन पे पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों जो नंबर वन पे फ्री फायर की सबसे बड़ी लॉस आती है वो M1887 जो ये गन है गोल्डन वाली, इसको लेके ये मतलब जितने हमारे गेम में दो नाली की गन स्किन आई है सारे बंदों ने बहुत नहीं इसको पसंद किया है, लेकिन इसकी मतलब ये गन की लुकिंग तो बहुत नहीं अच्छी है, मतलब लुकिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स देखोगे मतलब इसके एबिलिटी देखोगे तो इसे मतलब रेट ऑफ फायर ही कम है, रेट ऑफ फायर कम है। और जब ये गेम में हमारे गन आया था तो बहुत सारे बंदों ने अमीर प्लेयर ने जो मतलब निकाला था इस गन को उसके ऊपर वीडियो डाली थी, और आपको पता होगा कि जो M1887 की स्किन आती है नॉर्मल आती है, लेकिन ये मतलब 1000 डायमंड 1500 निकल जाती है, लेकिन ये गन आई थी इसमें 4000-5000 डायमंड तो आपको लगने वाले हैं, और इसीलिए इस गन की स्किन को बहुत ही कम पसंद किया गया था, और इसकी मतलब एबिलिटी को लेकर भी बहुत सारे कम बंदे पसंद किए थे, और कुछ बंदे तो इसलिए पसंद किए थे कि मतलब फ्री फायर में ये जो गन स्किन आई थी बहुत ही डायमंड लूटने वाली इवेंट आई थी, मतलब लिटरली फ्री फायर को लगा था कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे इस डायमंड को लेके, और इसकी लुकिंग इतनी अच्छी है कि इसके जो ग्राफिक्स है और इसको जो मतलब बनाने में जो पैसा लगा था फ्री फायर को बहुत ज़्यादा ही लगा था, सभी M1887 से ज़्यादा पैसा लगा था इसमें, लेकिन यहाँ पे फ्री फायर को उल्टे एल लग गए, मतलब बंदे ने इसको निकाला ही नहीं, इसको पॉजिटिव भाव ही नहीं दिया, तो फ्री फायर की एक लॉस गिनती में आती है। तो क्या इस लॉस कारण पहले से पता थी मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे द एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोज चैनल पे लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।